दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आयुर्वेद में व्यायाम को लेकर क्या बताया गया है, कि व्यायाम हमें क्यों करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। दोस्तों हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उसे उतना महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरी तरह पता चल जाएगा कि आपको एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए और आप रोजाना 15 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं कि क्यों हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों व्यायाम में आप एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, दंड बैठक आदि कर सकते हैं। ये करने से शरीर में हल्कापन आता है, सब काम करने का जो सामर्थ्य होता है यानी कि पूरे दिन की जो एनर्जी होती है वो बनती है, जठरांगिनी दीप्त होती है जिससे आपको पेट से संबंधित समस्या ठीक होती है, मेद का क्षय और शरीर के सब अंगों का सुंदर गठन होता है। इसलिए ये सभी चीजें करने के लिए आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्त ही सभी अंगों को पोषक तत्व पहुंचाता है। रक्त परिभ्रमण की क्रिया व्यायाम पर आधारित होती है। जिस समय हम कोई शारीरिक कार्य नहीं करते हैं, चुपचाप आलसी की तरह लेटे रहते हैं, हमारा सारा शरीर शिथिल रहता है। ऐसे में रक्त की परिभ्रमण गति धीमी रहती है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के सब अंगों को पोषक तत्व कम मात्रा में पहुंच पाते हैं तथा उनके मल पदार्थ भी धीमी गति से बाहर निकलते हैं और ऐसे आलसी लोगों की पाचन क्रिया जो होती है वो ठीक नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का शरीर में एकीकरण ठीक से नहीं हो पाता है और इसके अभाव में उस व्यक्ति को रोगों की संभावना रहती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति क्रियाशील होता है उनका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहता है। दोस्तों ये जो चीज है ये आयुर्वेद में बताई गई है। दोस्तों हम प्रतिदिन अपने दिन में कई तेलीय चीजों का सेवन करते हैं, घी आदि का सेवन करते हैं, तो उसके लिए व्यायाम की बहुत आवश्यकता होती है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो ये पोषक भाग जो है वो खून में ही संग्रह हो जाता है और परिणाम स्वरूप इंसान की चर्बी बढ़ जाती है, और अगर वो एक्सरसाइज करता रहे तो ये मेद जमा नहीं हो पाती है, ये खून में जमा नहीं हो पाता है और जमा हुई चर्बी जलकर शक्ति को उत्पन्न कर देती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उस दौरान आपका सिर भारी होता है, गठिया मेद रोग आदि हो जाते हैं। अगर आप तेलीय चीजें खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये होता है। व्यायाम से मल पसीना आदि शरीर से शीघ्र ही बाहर निकल जाते हैं जिससे शरीर निरोग रहता है। दोस्तों चरक सूत्र में बताया गया है कि अगर आप उचित मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। उचित व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन, कार्य करने की शक्ति, स्थिरता, कलेश, दुखों को सहन करने की शक्ति, दोषों का नाश होता है और अग्नि की वृद्धि होती है। और उचित मात्रा में आप जो व्यायाम करते हैं उससे पसीना आदि निकलकर शरीर रोग विमुक्त रहता है। दोस्तों वांगभटकार सूत्र स्थान में बताया गया है कि कितनी मात्रा में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। व्यायाम अपने बल से आधी शक्ति तक करना चाहिए और जो रोजाना चिकना भोजन करते हैं उन्हें व्यायाम बहुत हितकारी होता है, क्योंकि इससे मेद और कफ का क्षय होता है और सामर्थ्य आदि गुण उत्पन्न होते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इससे आलस्य, कफ, मेद आदि बढ़कर शरीर को ये शिथिल बना देते हैं, अतः आपको ये जरूर करना चाहिए। और दोस्तों ये भी बताया गया है कि किन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। दोस्तों व्यायाम सबके लिए हितकारी होता है, लेकिन जो वात और पित्त के रोगी हैं, छोटे बालक है या वृद्ध है, अजीर्ण रोग वाले हैं, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। और व्यायाम उचित मात्रा में ही लाभप्रद होता है, यदि अधिक मात्रा में किया जाए तो इससे रोग भी हो सकते हैं। वो रोग कौन से हैं, आयुर्वेद में क्या बताया गया है वो हम बताते हैं। अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ज्यादा प्यास लगती है, क्षय होता है, दमा हो सकता है, रक्त पित्त हो सकता है, थकावट हो सकता है, खांसी ज्वर इत्यादि हो सकते हैं। अधिक व्यायाम न कर आप अपनी शक्ति से आधी शक्ति तक ही एक्सरसाइज करें। दोस्तों आयुर्वेद में व्यायाम को लेकर काफी सारा बताया गया है, इसके हर एक पहलू पर पूरा विवरण दिया गया है, लेकिन हमने आपको आवश्यक जानकारी बता दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।